फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक लेनोवो का लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है लेनोवो आइडिया पैड 330-15 ISK। प्रॉब्लम क्या आ रही है, ऑन करते हैं तो हमारी मशीन ऑन नहीं हो रही है। हम इसमें चार्जर लगा रहे हैं, चार्जर भी लगाने के बाद हमारी लाइट नहीं जल रही है जहाँ पे चार्जिंग की लाइट जलनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या होता है इस कंडीशन में, हमारा हम ऑन कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है। सबसे पहला स्टेप होता है हम चार्जर चेक करें कि हमारा चार्जर ओके है या नहीं है। चार्जर कैसे चेक करते हैं, चार्जर को हम बोल्ट पे, मीटर को हम बोल्ट पे सेट करते हैं। 40 वोल्ट पे तो कम से कम सेट करो क्योंकि हमारा 20 वोल्ट से ऊपर ही निकलता है। तो हम ये लगाते हैं और यहाँ पे हम एक पिन बाहर लगाएंगे, दूसरी पिन अंदर लगाएंगे तो हमारा मीटर, ये आप देखोगे 20 वोल्ट शो कर रहा है, यानी हमारा चार्जर ओके है। यदि ये 20 वोल्ट शो नहीं करता है, कम वोल्ट शो करता है, कुछ वोल्ट शो नहीं करता है, तो हमारे चार्जर में भी प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब चार्जर में तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर हमारे इसके मदरबोर्ड में ही प्रॉब्लम बचती है। मदरबोर्ड में होगी या डीसी में भी हो सकती है, तो वही हम खोल के आपको दिखाएंगे कि इसमें आगे क्या प्रॉब्लम होती है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये हमारा लैपटॉप खुल गया है। ये आप देखेंगे सबसे पहला हमारा ऑप्शन, हमने आपको बताया कि चार्जर चेक करते हैं। दूसरा स्टेप उसके बाद हमारा आता है डीसी पे। जब हमारी मशीन नहीं ऑन हो रही है तो हमारा डीसी भी खराब हो सकता है,